मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटी। जैसा कि आपको पता है कि मुकेश सहनी का रोड शो सदाकत आश्रम पहुंच चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मुकेश सहनी का जो रोड शो है उसमें जो बाइकर्स हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश सहनी का जो रोड शो है वो सदाकत आश्रम पहुँच चुका है और जो उनके समर्थक हैं वो मुकेश सहनी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और उनके साथ में शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे, लेकिन फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा लगता है कि इस वक्त अभी उस रथ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो है ये शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मुकेश सहनी का जो रोड शो है वो अब सदाकत आश्रम से आगे बढ़ रहा है और हम जुड़े। तो ये मुकेश सहनी का रोड शो है और इस रोड शो को लाइव सिटीज कवर कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुकेश सहनी का जो रोड शो है वो अब सदाकत आश्रम से दीघा की तरफ बढ़ चुका है। अभी इस वक्त कुर्जी के रास्ते से मुकेश सहनी का जो रोड शो है वो बढ़ रहा है। समर्थक जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो रोड शो है ये शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में किया गया रोड शो है। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में बीते दिन राहुल गांधी भी आए थे और उन्होंने पटना की जनता से शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर उनके लिए वोट मांगे थे और ये कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को पटना की जनता जिताए। फिलहाल पाटलिपुत्रा और पटना साहिब दोनों लोकसभा सीट को मुकेश सहनी का जो ये रोड शो है ये जोड़ रहा है। जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ मीसा भारती के पोस्टर्स बैनर्स भी लिए हुए हैं। जो समर्थक हैं आपको हम बता दें कि ये मुकेश सहनी के रोड शो को कहीं ना कहीं सफल बनाने में लगे हुए हैं। लाइव सिटीज़ जो है वो मुकेश सहनी के रोड शो की सबसे बड़ी कवरेज दे रहा है, जैसा कि इससे पहले अमित शाह और राहुल गांधी के रोड शो की कवरेज देता रहा है। इस वक्त ये रोड शो दीघा की तरफ बढ़ चला है और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें लाइव सिटी के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़ डॉट इन पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।